हेलो फ्रेंड्स, फाइनल क्लास चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई सीरीज शुरू हो रही है, जिसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज की पहली वीडियो है, जिसमें आप जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। उसके पहले हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, उसके वर्जन्स कौन कौन से हैं और उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं शॉर्ट में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप देखिएगा, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जिसका उपयोग यूज़र के द्वारा किया जाता है। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के काम को परफॉर्म करने के लिए बना हो, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पीडीएफ रीडर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ ऑफिस के बहुत सारे काम के लिए किया जाता है, जैसे कि लेटर राइटिंग, डेटा एंट्री, प्रेजेंटेशन बनाना एट्सेट्रा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ बहुत सारे ऑफिशियल वर्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसलिए पड़ा क्योंकि सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ ऑफिस वर्क के लिए होता है, इसलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्वप्रथम बिल गेट्स के द्वारा 1988 में लास वेगास में कॉमोडेक्स में अनाउंस किया गया था। इसके बाद इसका मैक ओएस के लिए सबसे पहला वर्जन 1989 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट व मेल, ये चार सॉफ्टवेयर शामिल थे। इसी प्रकार इसका विंडोज़ ओएस के लिए सबसे पहला वर्जन एमएस ऑफिस 1.0 को 1990 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन सॉफ्टवेयर शामिल थे। इसके बाद इसको लगातार अपडेट किया गया और समय समय पर इसके नए नए वर्जन रिलीज़ किए गए, और माइक्रोसॉफ्ट के नए वर्जन्स के नए कामों के लिए सॉफ्टवेयर की संख्या बढ़ती गई। अब चलिए एक एक करके देखते हैं इसके एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अच्छा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके फाउंडर पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में चलता हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है या सॉफ्टवेयर सूट है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, इन्फो पार्ट डिज़ाइनर एट्सेट्रा। तो एक एक करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत ही पॉपुलर कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो कि हमें जिसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग का ऑप्शन हमें इसमें मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ डॉक्यूमेंट के क्रिएशन के लिए किया जाता है, जैसे कि लेटर राइटिंग, नोटिस, एप्लीकेशन, इन्विटेशन कार्ड, रिज्यूमे आदि बनाने के लिए। इसका सेकेंडरी नेम विन वर्ड भी होता है। इसको ओपन करने के लिए अगर कंप्यूटर में विंडोज़ में रन पे या सर्च में हम विन वर्ड टाइप करेंगे तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे एडिशंस आए। जो पहला वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो 1983 में रिलीज़ हुआ था। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज़ किया गया था और इसी के साथ कंप्यूटर के माउस का भी रिलीज़ हुआ, माउस को भी रिलीज़ किया गया।
वर्ड 1.0 को माउस के बंडल के साथ खरीदा जा सकता था। इसके बाद वर्ड मैक के लिए जो रिलीज़ हुआ था 1985 में रिलीज़ हुआ था। मैक के लिए जो वर्ड था वो फर्स्ट ग्राफिकल वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। शुरुआत में इसको प्रोप्रिएटरी डॉट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे इम्प्लीमेंट किया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट के नए नए वर्जन्स आते गए और फिर आगे के वर्जन्स, इसके बाद के वर्जन्स जो थे वो पीडीएफ ओडीएफ को सपोर्ट करते थे। पीडीएफ और ओडीएफ का जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया वर्ड में वो विंडोज़ विद सर्विस पैक 2 फॉर वर्ड 2007 में किया गया था। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ये एमएस ऑफिस का वो कंपोनेंट है जिसका यूज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, पाइवट टेबल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कॉमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका यूज़ डेटा एंट्री के लिए किया जाता है, जैसे रिजल्ट बनाने, कैलकुलेशन करने के लिए। इसका सेकेंडरी नेम एक्सेल है, मतलब अगर हम सर्च में या रन पर एक्सेल टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था एक्सेल मैक के लिए, एक्सेल का, वो एमएसओएस इन मैक ओएस में 1985 में रिलीज हुआ था। और विंडोज़ के लिए जो पहला वर्जन रिलीज हुआ था वो 1987 में रिलीज हुआ था। अब बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसको प्रेजेंटेशन देने के लिए, स्लाइड शो के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स या और भी ऑब्जेक्ट्स को हम कंपोज करके स्लाइड शो बना सकते हैं। ये इसको ऑन स्क्रीन हम डिस्प्ले करा सकते हैं किसी प्रेजेंटर के माध्यम से, या फिर इसको हम ट्रांसपेरेंसीज पे या स्लाइड्स पे इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मेनली ये प्रेजेंटेशन के काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर की तरह काम करता है, या पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ही है। जिसको विंडो मैसेजिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट मेल करने के लिए या शेड्यूल स्टार्ट करने के लिए ऑफिस 97 में यूज़ किया जाता था। इसमें ईमेल क्लाइंट इंक्लूड किया गया, कैलेंडर्स का, टास्क मैनेजर का और एड्रेस बुक का यूज़ किया जा इसमें इंक्लूडेड थे। और इसके बहुत सारे वर्जन्स आए मैक ओएस में। और आउटलुक का जो वर्ज़न आया वो 1990s में आया। फिर इसका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर से पर होने लग गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक मेन कंपोनेंट्स में से है। इसके द्वारा हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। किसी लार्ज स्केल पर अगर आपको डेटा एंट्री करना, उसका उसको स्टोर करना, उसका मैनिपुलेशन करना है तो आप इसको कर सकते हैं एक्सेस पर। इसका सेकेंडरी नेम एमएस एक्सेस है, यानी रन या सर्च पर आप एमएस एक्सेस टाइप करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारे रिलेशनल डेटा जो होते हैं उनको आप स्टोर करा सकते हैं, और डेटा के फॉर्मेट को, अपना फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मेन्यूज बना सकते हैं। तो ये इस तरह से डेटाबेस का यूज़ आप डायरेक्टली डेटा को लिंक करके स्टोर भी, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिंक करा के डेटा को अदर एप्लीकेशन या डेटाबेस से इसमें स्टोर करा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन एक नोट टेकिंग प्रोग्राम है जो कि हैंड रिटन या टाइप नोट्स, ड्राइंग्स, स्क्रीन क्लिपिंग्स और ऑडियो कमेंट्रीज को स्टोर करने के लिए या गैदर करने के लिए
ये एप्लीकेशन है। ये एक पेपर नोटबुक का अल्टरनेट है जो कि इनेबल करता है कि यूज़र को नीटली सभी नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को छोड़ के एमएस ऑफिस दोनों ऑनलाइन या क्लाउड के फॉर्म में भी उपलब्ध है। उसके लाइटर यानी ऑफिस वेब एप्स वर्जन में और फुल ऑफिस 365 वर्जन्स में भी अवेलेबल है। और 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 लेटेस्ट वर्जन है इसका, और ये बहुत से डिफरेंट वेरिएंट्स में उपलब्ध है। यानी आप अगर चाहें तो इसके ऐप्स भी अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, जैसे कि वन नोट जो होता है वो वेब ऐप के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस ऑनलाइन पर है, और एक फ्रीमियम यानी फ्रीवेयर विंडोज़ डेस्कटॉप ऐप के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के रूप में भी विंडोज़ फ़ोन में, और विंडोज़ फ़ोन के अलावा iOS में, एंड्रॉयड में, सिम्बियन में भी इसका मोबाइल ऐप की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये मेट्रो स्टाइल ऐप की तरह इसका विंडोज़ 8 या बाद के वर्जन्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ मायनों में अलग है, डिफर है, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट का कंस्ट्रक्शन है या प्रूफिंग उसके बजाय जो पेज का लेआउट है और डिज़ाइन है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। .pub इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ये विंडोज़ के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऐप है, विंडोज़ के लिए मोस्टली यूज़ होता है, और इसको ब्राउशर, लेबल्स, कैलेंडर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, न्यूज़लेटर, वेबसाइट और पोस्ट कार्ड्स डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए विंडोज़ के वर्जन्स को देखते हैं। जैसे जैसे इसमें इसको विंडोज़ को निरंतर हमेशा लगातार अपडेट किया गया और समय समय पे इसके नए वर्जन्स रिलीज़ किए गए। वर्जन्स में बहुत सारे फीचर्स एड ऑन किए गए और इससे एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ती गई। तो वर्जन्स को समझते हैं और देखते हैं। अगर वर्जन्स पहले वर्जन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 92 भी बोला जाता है। ये अगस्त 30, 1992 में रिलीज़ हुआ था और इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट था, और इसके अलावा मेल भी था जो मैक के ओएस के लिए था। जो इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था वो सीडी रोम पे रिलीज़ हुआ था, और 1993 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल रिलीज़ हुआ था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को 1.1 को ऐड किया गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.x, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.0 को रिलीज़ किया गया जिसमें वर्ड था, वर्ड 6.0, एक्सेल 4.0, पावर पॉइंट 3.0 एंड मेल था 1993 में रिलीज़ हुआ था। वर्ड का जो नंबर वो था जंप कर गया था वो 2.0 से 6.0, जिससे कि ये सेम वर्जन हो सके, सेम वर्जन नंबर हो सके सबके बराबर, जो कि एमएस डॉस पे या मैकिंटोश वर्जन्स पे था, उसके वर्जन्स की नंबर के बराबर हो सके। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.2 जो विंडोज़ एनटी के लिए रिलीज़ किया गया था 1994 में रिलीज़ किया गया था, और इसको i386 अल्फा MIPS और पावर PC आर्किटेक्चर्स के लिए यूज़ किया गया था जिसमें कि वर्ड 6.0 थे, एक्सेल 5.0, और इसके अलावा पावर पॉइंट 4.0 था और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर 4.2 था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 एंड 97 रिलीज़ हुआ जो कि अगस्त 24, 1995 में रिलीज़ हुआ था। सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर जो था वो अल्टर किया गया फिर से, और उसको प्रोग्राम, उसका जो प्रोग्राम था उसको वर्जन 7.0 बोला गया। इसमें वर्ड मिस्ड आउट वर्जन था क्योंकि इट वाज डिज़ाइंड ऐसे फुल्ली, ये पूरा 32 बिट वर्जन के लिए डिज़ाइन किया गया था जिससे कि वो विंडोज़ 95 के वर्जन को मैच करे। ऑफिस 95 दो वर्जन्स में अवेलेबल था, एक ऑफिस 95 स्टैंडर्ड और एक ऑफिस 95 प्रोफेशनल। स्टैंडर्ड वर्जन में
वर्ड 7.0, एक्सेल 7.0, पावर पॉइंट 7.0 और शेड्यूल 7.0 अवेलेबल था, इंक्लूडेड था। और प्रोफेशनल एडिशन में भी सारे आइटम्स अवेलेबल थे स्टैंडर्ड वर्जन के, प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आप 95 स्टैंडर्ड में थे वो सारे प्रोफेशनल में थे, बस एक इसमें और प्लस था, वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 7.0। प्रोफेशनल वर्जन को सीडी रोम पे परचेज किया जाता था और इसमें बुक शेल्फ इंक्लूडेड था। जो लोगो था ऑफिस 95 में, वही 97 में भी था, 97 2000 एक्सपी में भी वही था, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 98 मैकिंटोश एडिशन भी सिमिलर लोगो था उसका भी। अब अगर बात करें और एमएस ऑफिस 97 की, तो इसको 8.0 भी बोला जाता था। इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड किए गए थे। कमांड बार जो है इंक्लूड किया गया था इसमें, इंट्रोड्यूस किया गया था कमांड बार को, जो कि जिसमें बहुत सारे पैराडाइम्स जैसे मेन्यू, टूल बार बनाए गए थे और विजुअल डिज़ाइन बनाए गए थे इसमें। ऑफिस 97 में बहुत सारे नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, ग्रामर चेकिंग का इसमें इंक्लूड किया गया था। 97 पहला वर्जन था ऑफिस का जिसमें ऑफिस असिस्टेंट इंक्लूड किया गया था। और ब्राज़ील में जो इसका फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था, रजिस्ट्रेशन विजार्ड, जो कि एक प्री कर्जर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एक्टिवेशन था, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एक्टिवेशन के लिए प्री कर्जर था। फिर अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 से 2003 की बात करें, तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, जिसको ऑफिस 9.0 भी बोला गया। इसमें बहुत सारे एडेप्टिव मेन्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सारे लिटिल यूज ऑप्शन जो कि हिडन यूज़र से हिडन थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और नए सिक्योरिटी फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह को, माइक्रो वायरसेस या थ्रेट्स को डिमिनिश करने के लिए इसको नए फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए। ऑफिस 2000 में बहुत सारे फीचर्स के साथ साथ मैक्रोस को या मैक्रोस ड्रस्टेज मैक्रोस को ऑटोमेटिकली या करने के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये इसकी एक बहुत बड़ी ये फीचर था। और रजिस्ट्रेशन विजार्ड वगैरह इसमें यूज़ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी ऑफिस 10.0 ऑफिस 2002 इसको भी रिलीज़ किया गया, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के साथ रिलीज़ किया गया, और मेजर अपग्रेड था इसमें, और बहुत सारे न्यूमरस एनहांसमेंट थे और चेंजेस थे ऑफिस 2000 की अपेक्षा। एक्सपी को बहुत सेफ मोड फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस को अलाउ करता था आउटलुक को बूटिंग के लिए। जब भी आपकी करप्ट हो जाती थी रजिस्ट्री या कोई फॉल्ट आ जाता था, तो उसके लिए एडिंस बनाए गए, या फॉल्टी एडिंस के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स लाए गए। स्मार्ट टैग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इसमें। और मैं ऑफिस एक्सपी वर्ड में और एक्सेल में ऑफिस 10 में डिसकंटिन्यू किया गया। ऑफिस एक्सपी में बहुत सारे इंटीग्रेटेड वॉइस कमांड्स इंक्लूड किए गए, टेक्स्ट डिक्टेशन कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन को इंक्लूड किया गया। इस तरह बहुत सारे जितने भी लेटर वर्जन आते गए वो पहले के वर्जन से उसमें और बहुत सारे वो सारे फीचर्स तो थे, साथ में बहुत सारे फीचर्स को ऐड ऑन किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 उसको ऑफिस 11.0 भी ये 2003 में रिलीज़ किया गया। इसमें न्यू लोगो आया, दो नए एप्लीकेशंस आए इसमें, इन्फो पाथ और वन नोट। इसके बाद इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो बहुत कलरफुल आइकन्स उसमें आए। वन नोट 2000 में बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई, ऑथेंटिकेशन, RPC और HTTP, कैश्ड एक्सचेंज मोड, इम्प्रूव्ड जंक मेल फिल्टर, इन सबको इंक्लूड किया गया। इसके बाद ऑफिस 2007 या ऑफिस 12.0 इसको 2007 में रिलीज़ किया गया। इसमें भी नए नए फीचर्स आए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस, और मेन्यू बार और टूल बार को रिप्लेस किया गया।
उसके बाद इसमें रिबन आया, उनको रिप्लेस करके रिबन आया, तो इस तरह बहुत सारे इम्प्रूवमेंट इसमें भी गए किए गए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 जिसको ऑफिस 14.0 13 को स्किप करके 14.0 ये आया, तो ये भी 2010 में अप्रैल 15, 2010 में रिलीज़ किया गया और कंज्यूमर्स के लिए June 15, 2010 में अवेलेबल था। इसमें बैक स्टेज फाइल मेन्यूज़ को इंक्लूड किया गया, न्यू कोलैबोरेशन टूल्स को इंक्लूड किया गया, कस्टमाइजेबल रिबन को, प्रोटेक्टेड व्यू को, नेविगेशन पैनल को, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और ये पहला वर्जन ऐसा था जो 32 बिट और 64 बिट्स दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल था। न्यू लोगो आए, न्यू लोगो फीचर्स आए, इसके बाद और भी बहुत सारे शेप में मॉडिफिकेशंस आए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विस पैक 1 2010 के लिए रिलीज़ किया था 28 जून 2011 में, और सर्विस पैक 2 को 16 जुलाई 2013 में रिलीज़ किया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, ये टेक्निकल प्रीव्यू था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का, जो कि रिलीज़ किया गया था January 30, 2012 में, और एक कस्टमर प्रीव्यू वर्जन बनाया गया था जो कि कंज्यूमर्स को अवेलेबल हुआ 16 जुलाई 2012 में। इसमें भी बहुत सारे न्यू फीचर्स एड ऑन किए गए, रिवैम्प्ड एप्लीकेशन इंटरफेस किया गया इसमें बेस्ड ऑन मेट्रो इंटरफेस ऑफ विंडोज़ फ़ोन और विंडोज़ 8 इसमें इंक्लूड किया गया। पावर पॉइंट इंक्लूड, बहुत सारे पावर पॉइंट में बहुत सारे टैंपलेट्स इंक्लूड किए गए, ट्रांजिशन इफेक्ट्स इंक्लूड किया गया, वन नोट में न्यू स्प्लैश स्क्रीन इंक्लूड किया गया, May 16, 2011 में न्यू इमेजेस आई ऑफिस 15 की वो रिबिल्ड किया गया, एक्सेल में बहुत सारे टूल फिल्टरिंग, डेटा को फिल्टरिंग किसी टाइमलाइन पे वो सब इंक्लूड किया गया, और एबिलिटी टू कन्वर्ट रोमन न्यूमरल्स टू अरेबिक न्यूमरल्स यानी रोमन न्यूमरल्स को अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को इंक्लूड किया गया एम एस एक्सेल में, इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंक्लूड किया गया, फिर वर्ड में बहुत सारे वीडियोस को ऑडियोस को ऑनलाइन इंसर्ट करने की कैपेबिलिटी को इंक्लूड किया गया, डॉक्यूमेंट्स की ब्रॉडकास्टिंग को इंक्लूड किया गया वेब पर, और इस तरह बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए, हर एप्लीकेशंस पे कुछ न कुछ इंक्लूड किया गया। और October 24, 2012 में ऑफिस 2013 प्रोफेशनल प्लस रिलीज़ किया गया, ये इसलिए मैन्युफैक्चरिंग रिलीज टू मैन्युफैक्चरिंग, और इसको टेक नेट और MSDN सब्सक्राइबर्स के लिए डाउनलोड किया गया करने के लिए इसको रिलीज़ किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, और November 15, 2012 में 60-day का ट्रायल वर्जन भी रिलीज़ किया गया पब्लिक डाउनलोड के लिए। 2013 रिलीज़ किया गया था जनरल अवेलेबिलिटी के लिए January 29, 2013 में। फिर सर्विस पैक 1 ऑफिस 13 के लिए रिलीज़ किया गया जो कि 25 February 2014 को रिलीज़ किया गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 आया जो कि 22 जनवरी 2015 को आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ब्लॉग ने अनाउंस किया इसे, और नेक्स्ट वर्जन सूट फॉर विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए आया ऑफिस 2016 जो कि डेवलपमेंट में था, और May 4, 2015 एक पब्लिक प्रीव्यू इसका है MS ऑफिस का 2016 का जो कि रिलीज़ किया गया, और ऑफिस 2016 मैक के लिए जो मैक OS X के लिए रिलीज़ किया गया वो July 9, 2015 में रिलीज़ किया गया, और विंडोज़ के लिए September 22, 2015 में रिलीज़ किया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की अगर बात करें तो ये September 26, 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे नेक्स्ट वर्जन को अनाउंस किया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए ऑफिस 2019 जो कि 27, 2018 अप्रैल को रिलीज़ किया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिलीज़ किया 2019 कॉमर्शियल प्रीव्यू विंडोज़ 10 के लिए रिलीज़ किया था।
और इसकी जनरल अवेलेबिलिटी को रिलीज़ किया गया विंडोज़ 10 फॉर मैक ओएस ऑन सितंबर 24, 2018। तो अगर इन शॉर्ट देखें तो इसकी हिस्ट्री और वर्जन्स के बारे में, तो एमएस ऑफिस के सबसे पहले वर्जन एमएस ऑफिस 1.0 को 1990 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीन सॉफ्टवेयर शामिल थे। फिर एमएस एक्सेस को पहली बार एमएस ऑफिस 4.3 वर्जन के साथ 1994 में रिलीज़ किया गया। एमएस आउटलुक को, जो कि ईमेल क्लाइंट था, एमएस फ्रंट पेज को और एमएस पब्लिशर को एमएस ऑफिस 2000 के साथ पहली बार 2000 में रिलीज़ किया गया था। एमएस इन्फोपाथ को पहली बार 2003 में ऑफिस 2003 के साथ रिलीज़ किया गया था, और इसका यूज़ डिज़ाइनिंग के लिए, फॉर्म फिलिंग और सबमिटिंग आदि कामों के लिए किया जाता था। फिर एमएस ऑफिस 2007 ऐसा पहला वर्जन था जिसमें जो कन्वेंशनल मेन्यू सिस्टम को हटाकर इंटरफेस लाया गया, जिसे रिबन सिस्टम कहते थे या फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस कहते थे। इसमें फाइल मेन्यू को ऑफिस बटन से रिप्लेस किया गया था। फिर एमएस विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ये हमने पूरा वर्जन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब इसके एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस के नाम, उसकी कैटेगरी, उसका एक्सटेंशन और इनिशियल रिलीज कभी हुआ था। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो ये एक वर्ड प्रोसेसर कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, और इसका एक्सटेंशन शुरुआत के वर्जन्स में .doc था और बाद के वर्जन्स में .docx है, और इसका इनिशियली रिलीज़ किया गया था 1983 में। उसके बाद एमएस एक्सेल की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, इसका एक्सटेंशन जो है वो शुरुआती वर्जन्स में .xls था और बाद के वर्जन्स में .xlsx है, और इसका इनिशियल रिलीज़ जो है 1987 में हुआ था। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, इसका एक्सटेंशन शुरुआत के वर्जन्स में .ppt था, बाद के वर्जन्स में .ppt x है, जो कि 1990 में पहली बार रिलीज़ किया गया था। एमएस एक्सेस की बात करें, एक डेटाबेस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, इसका एक्सटेंशन .accdb है, और ये 1992 में पहली बार रिलीज़ किया गया था। एमएस पब्लिशर की बात करें तो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, इसका एक्सटेंशन .pub है, जिसको 1991 में रिलीज़ किया गया था। आउटलुक की बात करें तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर की तरह काम करता है, इसका एक्सटेंशन .pst है, और ये 2001 में पहली बार रिलीज़ किया गया था। और अगर वन नोट की बात करें तो ये एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप नोट को गैदर कर सकते हैं, और इसका एक्सटेंशन .one है, और इसका इनिशियल रिलीज़ 2012 में किया गया। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि एमएस ऑफिस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके वर्जन्स क्या हैं, इसके एक्सटेंशन के बारे में देखा, ये किस कैटेगरी में आते हैं वो सॉफ्टवेयर, उनको देखा, और इसका इनिशियल रिलीज़ के बारे में जाना। तो अब नेक्स्ट वीडियो से एमएस वर्ड स्टार्ट होगा। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सजेशन हो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।